हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव द ग्रीन। आज मैं हूँ अपने एक स्पेशल वीडियो के साथ, दैट इज अबाउट द ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ द प्लांट। सो आई एम शेयरिंग द अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ माय ऑनलाइन प्लांट शॉपिंग। एक्चुअली आई परचेज सम प्लांट्स, सम सक्यूलेंट प्लांट्स ऑनलाइन, एंड इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन प्लांट शॉपिंग। बट एक स्ट्रेस भी था माइंड में कि पता नहीं लाइव प्लांट एक्चुअल में सही निकलेंगे भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि सुना है ऑनलाइन में कई बार डैमेज प्लांट होता है, फिर उसे क्लेम करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो मैं अपना यही फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज। सो इफ़ यू वॉन्ट दिस प्लांट और वॉन्ट अनादर प्लांट फ्रॉम दिस साइट, आई कैन शेयर यू, जस्ट इनबॉक्स मी। सो लेट्स बिगिन द अनबॉक्सिंग वीडियो। दिस इज़ द prepaid consignment and I ordered through the FB page link. I ordered 6 plant और एक ऑफर था उसमें कि 5 plant purchase करने पे एक छोटा सा plant आपको gift में मिला है, देखिए red one that I get as a reward। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि plant को कितने अच्छे से pack किया गया है। छोटे छोटे pots हैं जैसा आप देख पा रहे हैं, और अंदर ये rubber band लगाई हुई है जिससे कि जो plant है वो अच्छे से इंटैक्ट रहे। अगर उसको थोड़ा स्ट्रेस या जर्क लगे तो वो ख़राब ना हो, अपरूट ना हो, और वो बिल्कुल भी नहीं हिले। तरीके से सिलेंडर रोल में जो कि कार्डबोर्ड का बना हुआ है उसमें पैक किया है, जिससे उसको वेंटिलेशन भी एरेशन भी प्लांट को मिलता रहे। ये कोरियर मेरे पास 1 वीक के बाद पहुँचा है, तो मैं बहुत टेंशन में थी कि पता नहीं 1 वीक तक एक बॉक्स में बंद प्लांट कहीं डाई ना हो जाए, पता नहीं मुझे वो सेफली मिलेगा नहीं मिलेगा। बट इस तरह की पैकिंग में और इस पर न्यूज़पेपर रैप था और उसको पॉलिथीन से अच्छे से कवर किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा स्टाइल है पैकिंग का। हम अगर अपने प्लांट को किसी को गिफ्ट करना है या दूर भेजना है तो हम ये अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस द नेम ऑफ द प्लांट, सो इफ़ यू लाइक देन यू कैन परचेज एंड ऑल्सो गेट नॉलेज। दिस इज क्रेस्यूला सार्मेंटोसा, जो एक वेरीगेटेड वेराइटी है। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसमें पर्ल की तरह स्ट्रिंग होती हैं और इस पर फ्लावरिंग भी हो जाती है, और ये जब अच्छे से ग्रो करेगा और ये ऊपर से आप हैंग करके हैंगिंग बास्केट में या हैंग करके लगाएंगे फॉल आता हुआ, बहुत ही खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट वन इज सीडम, इसको स्टोन क्रॉप भी कहते हैं, और ये मेरे पास स्टोन क्रॉप की या सीडम की छोटी वेराइटी है, इसकी बड़ा प्लांट भी आता है थोड़ा। द नेक्स्ट वन इज़ क्रेस्यूला मस्कोसा, जिसको जनरल नेम में रेड टेल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। एंड दिस स्मॉलर वन इज़ कैंप फायर दैट आई गेट एज अ रिवार्ड, आई थिंक इट्स नेम जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ इट्स लीव एंड लुकिंग वेरी प्रिटी। तो ये मेरे प्लांट थे जिसमें से 2 वेराइटी सेम थी, तो ये मैंने 4 आपको सामने डिस्क्राइब की हैं। और इतना ही नहीं, मैं इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए करने जा रही हूँ छोटे छोटे से DIY इन द माई नेक्स्ट वीडियो। सो हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन टू द ऑल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।